हेलो एवरीवन, दिस इज अनु एंड यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइस, क्या इंग्लिश की बात करें, क्या इंग्लिश हैज़ बीन हैविंग अ बिग फैमिली। वी आर हैविंग अ गुड फैमिली एंड वी आर हैविंग द फैमिली, इट इज़ बीइंग यू नो गेटिंग ब्रॉड एंड ब्रॉड एंड ब्रॉड। हमारी जो फैमिली है क्या इंग्लिश की, वो बड़ी होती जा रही है। पीपल आर लर्निंग, लोग सीख रहे हैं एंड दे आर लाइकिंग इट, वो पसंद भी कर रहे हैं। ऑफकोर्स गाइज, क्या इंग्लिश में आपको काफ़ी आसान तरीक़ों से अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है। सो गाइज, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे की बात करते हैं। आज हम एक नया स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं विच इज़ गोइंग टू बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा एंड आप उसको फील करेंगे कि वो भी आपकी लाइफ में ऐसा होता है। येस, वी आर वर्किंग ऑन अ प्रैक्टिकल, हम प्रैक्टिकल बेस पर काम कर रहे हैं। हम अंग्रेजी लैंग्वेज क्या इंग्लिश में कुछ ऐसा नहीं सीख रहे कि आपको याद करना पड़ेगा। हम सबको समझ कर, अंडरस्टैंड करके उसको हम माइंड में अपने उतार के इस तरीके से सीख रहे हैं कि हमें याद करना ना पड़े, हमें रटना ना पड़े। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, आई वियर साड़ी वंस इन अ ब्लू मून, मतलब यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि मैं भाई साड़ी पहनती हूँ। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या हुआ, अभी हमें इस पर फोकस करना है, इसी को हमें अभी सीखना है। सो गाइज, अगर आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली देखेंगे तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम कभी कभी रेयरली करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, आपके घर में कोई ना कोई ऐसा पर्सन डेफिनेटली होगा जो कहेगा कि भाई मैं कभी कभी ड्रिंक कर लेता हूँ, ऐसा आपने सुना होगा। हालांकि रोज लोग आप दिखाई देंगे कि वो रोज ही ड्रिंक करते हैं, बट वो अपने आप को ऐसे शो करते हैं कि भाई मैं कभी कभी ड्रिंक करता हूँ। तो जो कभी कभी होता है, कुछ लोगों का तो कभी कभी रोज ही होता है, कुछ लोगों का कभी कभी हफ्ते में एक बार होता है, बट कुछ लोग सीरियसली आपको ऐसे मिलेंगे जो कभी साल, एक दो साल में, या कभी अकेजनली हो गया, या होली पर हो गया, या किसी फेस्टिवल पर हो गया, या किसी इवेंट में हो गया, इस तरीके से ड्रिंक कर लेते हैं। तो वो बोलेंगे वंस इन अ ब्लू मून, 100 में से एक दिन ऐसा आता है कि मैं ये काम करता हूँ, तो वो बोलेंगे आई ड्रिंक वंस इन अ ब्लू मून। आपने देखा होगा गाइज, बहुत सारे लोग आजकल, अगर हम साड़ी की बात करें तो साड़ी हैज़ बीन अ ड्रेस फॉर अस, अब ये एक ड्रेस में काउंट होती है। ऑल दो इट वॉज द ट्रेडिशनल फॉर द लेडीज, एक ये ट्रेडिशनल एक कल्चर था कि भाई उन्हें साड़ी पहननी है, बट आज के टाइम में वो सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। सो दे वियर इट साड़ी एज ए ड्रेस, वो इसे ड्रेस की तरह ही पहनती हैं। और बहुत सारी लेडीज़ तो बोलेंगी कि भाई कभी कभी लगता है कि एनिवर्सरी आ गई, या मुझे इम्पॉर्टेंट काम आ गया, या कभी ऐसा ओकेज़न आ गया, या मान लेते हैं बच्चों के जो पेरेंट्स मीटिंग होती है उन्होंने कंपलसरी कर दिया कि भाई पेरेंट्स को साड़ी पहन के आना, मॉम को जो साड़ी ही पहन के आना होगा। इस तरीके से अगर बात करें तो मैं कभी कभी साड़ी पहन लेती हूँ, तो वो बोलेंगे आई वियर साड़ी वंस इन अ ब्लू मून। सो गाइज, ऐसे बहुत सारे काम आपके साथ भी होंगे जो आप 100 में से एक दिन करते हो। जैसा कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई मैं तो कभी कभी सुबह 4 बजे उठता हूँ, मतलब जब नींद आती ही नहीं है तभी 4 बजे उठता हूँ, तो वो बोलेंगे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग वंस इन अ ब्लू मून। भाई उनकी तो आदत ही 10 बजे उठने की है, तो वो बोलेंगे आई डू इट वंस इन अ ब्लू मून। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहेंगे कि भाई कभी कभी तबीयत ठीक नहीं होती तभी लेट उठता हूँ, वरना तो मैं रोज़ जल्दी उठ जाता हूँ, तो वो बोलेंगे आई गेट अप लेट वंस इन अ ब्लू मून, आई गेट अप लेट वंस इन अ ब्लू मून। बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई मैं तो दाल चावल की बात करूँ, दाल चावल हमारे घर में तो मतलब कॉमन हो गए हैं, रोज ही बनते हैं। रोटी की बात करो या छोले भटूरे की बात करो, तो वो तो बहुत कभी कभी बन जाते हैं, वरना वो भी ख़त्म कहानी। तो आई प्रिपेयर छोले भटूरे वंस इन अ ब्लू मून। डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं वो कहेंगे भाई मैं तो लड्डू बहुत कभी कभी खाता हूँ, जब किसी की आँख से देखा कि भाई बचा हुआ है चुपचाप खा लिया, तो आई टेक लड्डू और आई टेक स्वीट्स वंस इन अ ब्लू मून। जब आपको लगता है कि कोई भी काम आप कभी कभी करते हो, रेयरली करते हो, मतलब पूरे साल में एक या दो बार, तो आप बोलेंगे वंस इन अ ब्लू मून। सो गाइज, मैंने आपको यहाँ पे ये भी सिखाया है पीछे वाली क्लासेस में कि अगर आप कोई भी काम अकेजन्स पे करते हो, अकेजन्स मतलब आपको लगता है कोई तीज त्यौहार आ गया, कोई फेस्टिवल आ गया, तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो आई डू इट अकेजनली,
भाई मैं काम ही अकेजनली करता हूँ, या मान लेते हैं मैंने बोला कि भाई मैं शॉपिंग तो अकेजनली ही करती हूँ, आई डू शॉपिंग अकेजनली, आई प्रिपेयर पूड़ी अकेजनली, जब कोई त्यौहार होता तभी पूड़ियाँ बनती हैं, वरना तो भाई अभी तो ऑयल खाना छोड़ ही दिया है, तो आई टेक पूड़ी अकेजनली, आई टेक पूड़ी वंस इन अ ब्लू मून। इस तरीके के सेंटेंसेस को आप अपनी डेली लैंग्वेज में ऐड करके आप उसको थोड़ा सा स्मार्ट बना सकते हो। सो आई होप कि आप इसको समझेंगे एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग इट। आई हैव टू से गुड बाय टू यू एज यूजुअल। थैंक यू सो मच।